दूरदर्शन केंद्र मुंबई में विगत सितंबर माह में हिंदी पखवाड़ा काफी धूमधाम से मनाया गया। पखवाड़े की शुरुआत हिंदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम से हुई। केंद्र की उप महानिदेशक अभियांत्रिकी शिप्रा मनस्विता एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने उद्गार भी व्यक्त किए। जैसा कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस था और हम लोग आज उसको मना रहे हैं और अगले 15 दिन तक पखवाड़ा के रूप में मनाएंगे और ऑफिस के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का शेड्यूल किया गया होगा, तो इस दौरान हम चाहेंगे कि आप सभी लोग अत्यधिक से अत्यधिक इसमें भाग लें, हर कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा भाग लें, चाहे हिंदी निबंध होगा या हिंदी गोष्ठी होगी, लघु कथा होगी, तो उस सारे कार्यक्रमों में सब लोग अधिक से अधिक भाग लें और हिंदी को सरल और सहज रूप से अपने रोज के काम में लाने की कोशिश करें। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि कुछ अंग्रेजी के शब्द हम लोग हिंदी में लिखें, बट उसको देवनागरी में अगर लिखते हैं तो उससे थोड़ी और ये समझ में आता है कि हम लोग हिंदी के प्रति जागरूक हैं। तो इस चीज को समझें, हिंदी का महत्व समझें, अपने संविधान के प्रति अपनी जो दायित्व है उसको भी समझें और कोशिश करें कि हिंदी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें और सब कोई मिल करके हम लोग जरूर इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ सबको धन्यवाद और बहुत बहुत आगे के लिए शुभकामना जो आगे का कार्यक्रम की। लेकिन सभी ने गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि ये कंपलसरी है, जैसा डीए हमें कंपलसरी मिलता है 1 जनवरी और ये 1 जुलाई को, वैसा ही है धारा 3-3 है, ये है, ऐसा नहीं कि ये ऑप्शनल नहीं है, हिंदी करना ही है या कर समय मिला तो करेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें हिंदी हमें जैसा धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे तो निश्चित मुझे लगता है कि हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे कार्यालयों में, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस में इसको लागू किया है क्योंकि ये कंपलसरी है, ये गवर्नमेंट का आदेश है। गवर्नमेंट का आदेश कोई भी हो तो हमें लागू करना पड़ेगा। जैसा हमें हेलमेट की शक्ति हम आजकल जैसा सुनते हैं तो ये करना ही पड़ेगा हमें, और हम इससे ये नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आज के इस अवसर पे, हिंदी दिवस के अवसर पे, पखवाड़े की शुरुआत पे सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। भाषा का महत्व बहुत ज्यादा है जिंदगी में। हम एक दूसरे से जो बातचीत करते हैं केवल भाषा के माध्यम से करते हैं, कोई भी भाषा हो। हमारा देश जो है विभिन्न भाषाएं हैं उसमें, लेकिन संविधान में इसका महत्व राजभाषा करके हिंदी को दिया गया। उस यही कारण होगा कि एक भाषा से हम लोग सब एकजुट आए, है ना, हम लोग एक दूसरे से जो कार्य करें, कार्यालय में भी जो हमारे कार्य होते हैं जो एक भाषा से करेंगे तो उसी भाषा से हम लोग वी यूनाइट। तो इसका अपने आप में बहुत महत्व है और हम लोग क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं एंड वी आर हम लोग गवर्नमेंट के साथ में इतने जुड़े हुए हैं, साथ में हम लोग प्रचार प्रसार के लिए हमारा दायित्व है, तो ये हमारा ये बहुत महत्व रखता है कि हम लोग हिंदी में काम करें। सबसे सरलता ये है कि हम लोग अपना एटीट्यूड कर लें, ये हम लोग मतलब मन में ये कर लें कि हमको करना है और शुरू हम लोग केवल हमारा जो हस्ताक्षर है, हस्ताक्षर से भी करेंगे तो हस्ताक्षर करते वक्त में हमको ये हम खुद को ये एहसास दिलाते कि हाँ हम हिंदी में काम कर रहे हैं। फिर बाद में तो बहुत सारे जैसे इंजीनियरिंग सेक्शन में तो बहुत सारे ऐसे हम लोग लेटर्स लिखते हैं, कुछ रिपोर्ट्स हमारी पीरियडिकल रहती हैं, वो तो हम सारे करते ही अभी कर ही रहे हैं, हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे यही कहना है, मैसेज यही देना है कि हमारा एटीट्यूड बदलने की बहुत जरूरत है कि अगर हम लोग सोचे कि हमको हिंदी में काम करना है तो उसी समय से हम लोग हिंदी में काम कर ही सकते हैं। और जब ऑफिस और जब गवर्नमेंट हमको ये इसके लिए स्पेशल फंड्स आते हैं, कार्य हम लोग इसमें कुछ प्रोग्राम्स अरेंज कर रहे हैं, हम लोग बाहर के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, फिर प्रतियोगिताएं हम लोग अरेंज कर रहे हैं, तो ये सब दिस इज ऑल ये केवल इसको बढ़ावा देने के लिए, ये भाषा को बढ़ावा देने के लिए है। तो हम लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग इसमें आगे कार्य करें।
पुनः एक बार सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत से लोगों ने ये कहा है कि बम्बई में जो हिंदी का काम चल रहा है, और कभी अगर कोई अधिकारी हिंदी में रिमार्क लिखे तो ऊपर का अधिकारी ये ना समझे कि इनको अंग्रेजी आता नहीं है। सही, बहुत थोड़ी इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप हिंदी में नहीं रिमार्क लिखेंगे तो बात करेंगे करेंगे, लिखेंगे नहीं तो भाषा कैसे समृद्ध हो जाएगी? भाषा दिमाग में रखी तो समृद्ध नहीं। और मुझे लगता है कि हिंदी विभाग का ऐसा ही काम जो चल रहा है बहुत अच्छे से चलने के लिए मैं शुभेच्छा देता हूँ। हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह के अवसर पर दूरदर्शन मुंबई के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। हमारी परंपरा रही है कि किसी कार्यक्रम की शुरुआत वंदना से की जाए, तो मैं आमंत्रित करूंगा सारांश सक्सेना जी को, जो हमारे केंद्र में अभियांत्रिकी सहायक हैं। विद्यादायिनी शारदे, विद्यादायिनी शारदे, नाद ब्रह्मरस ज्ञानदायिनी, नाद ब्रह्मरस ज्ञानदायिनी, मधुरी मवीणा दायिनी, पुण्य पावनी वरदे वरदे, विद्यादायिनी शारदे, विद्यादायिनी शारदे, परमानंदा वत्सले, परमानंदा वत्सले, रसरंजित स्वर लयनी नाद से जीवन झंकृत कर दे, विद्यादायिनी शारदे, विद्यादायिनी शारदे, विद्यादायिनी शारदे, शारदे, शारदे। वरिष्ठ लेखिका डॉक्टर अचला नागर एवं लोकप्रिय शायर हस्तिमल हस्ती भी प्रमुख अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इस अवसर पर शॉल, श्रीफल एवं प्रतीक चिन्ह प्रदान कर प्रमुख अतिथियों का स्वागत किया गया। केंद्र के अपर महानिदेशक कार्यक्रम श्री एमएस थॉमस ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मार्गदर्शन करते हुए कहा, मेरा सहकर्मियों, हिंदी पखवाड़ा का समाप्त समारोह में मैं आप सबको हार्दिक स्वागत करता हूं। खास तौर पर हमारा बीच व्यस्त जीवन से टाइम मूल्य समय निकालकर आए हुए डॉक्टर अर्चना नागर, राइटर एंड फिल्म फेयर अवार्डी, हस्ती मल हस्ती परिचित करने का कोई जरूरत नहीं है। हम वी आर रियली फॉर्चुनेट टू हैव बोथ ऑफ देम विद अस टुडे। प्रतियोगिताओं में भाग लेकर पुरस्कार प्राप्त हुआ मेरा सहकर्मियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सह्याद्री दर्शन आज रिलीज होने वाला है, इस साल का जो पत्रिका है, काफी लोग अपना योगदान दिया एंड मेड दिस पत्रिका एक सक्सेसफुल इवेंट। थैंक यू वेरी मच। एक नेशन इज डम विदाउट ए नेशनल लैंग्वेज। जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है
वह उन्नत नहीं हो सकता. ए कंट्री दैट डस नॉट टेक प्राइड इन इट्स लैंग्वेज एंड लिटरेचर कैन नेवर प्रोग्रेस. हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है, ये कमलनाथ त्रिपाठी का बोल है. हिंदी इज द सोल ऑफ इंडियन कल्चर. बट सबसे मेरे को जो अच्छा लगा, डॉक्टर साकिर हुसैन, थर्ड प्रेसिडेंट द भारत का, हिंदी वो धागा है जो विभिन्न मातृभाषाओं को रूबी फूलों को भारत मना के लिए एक सुंदर हार का सूचन करेंगे. इसका मतलब इतना ही है, अपना जो मातृभाषा है वो अपना जगह पे है. वी कैनॉट डिसरेस्पेक्ट आवर मदर टंग. बट मातृभाषा, राजभाषा जो हिंदी है, ये एक हार बनाकर अपना देश को हार पहनाएगा, अपना मातृ देश को हार पहनाएंगे. आप सबको पुनः एक बार मैं धन्यवाद करता हूँ ये कार्यक्रम अच्छा होने के लिए. एंड विशिष्ट अतिथियों को फिर एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूँ. धन्यवाद. प्रमुख अतिथि डॉक्टर अचला नागर जी ने श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जितनी भी विश्व की भाषाएं हैं जो अभिव्यक्त करती हैं वो हमारा परिवार है, और हिंदी जो है वो हमारी माँ की गोद है, जिसमें हमें हर्ष भी मिलता है, ममता भी मिलती है, प्यार भी मिलता है. हम शरारतें भी कर सकते हैं, हम गंभीर बातें माँ के मुंह से सुन भी सकते हैं, तो हिंदी वो है. तो जहाँ तक ये, मैं इसीलिए आई हूँ क्योंकि हिंदी से मुझे लगता है हम सभी को बहुत प्रेम है. हमारा जैसे घर से, अपने घर से प्रेम होता है, वैसे ये हमारी भाषाएं, जितनी बोलियां हैं हमारे, वो सब हैं, वो सब माँ हैं. वो सब जिसमें हम बात करते हैं वो सब महत्वपूर्ण है, लेकिन एक भाषा, एक देश की भाषा अपनी अगर ये राजभाषा तक पहुंची तो ये बिल्कुल होना चाहिए कि इसको वही महत्व, वही स्थान हृदय से सबको देना चाहिए. गर्व है कि हम हिंदी में, मैं मुझे विशेष रूप से कि मैं हिंदी के सब विधाओं से जुड़ी, चाहे वो साहित्य हो, चाहे फिल्में हैं, चाहे धारावाहिक हैं, चाहे लेखन है, चाहे नाटक है मंच के, तो वो एक बहुत मेरा सौभाग्य है कि मुझे अवसर मिले हिंदी से जुड़ने के. और दूसरी बात जो मैं बिल्कुल खुल के हमेशा कहती हूँ कि आज हिंदी के प्रचार और प्रसार में स्वाभाविक रूप से, यानी करना पड़ता है, हमारी हिंदी फिल्मों ने जो राज कपूर साहब की फिल्मों, 70 साल हो गए उस बात को, तब से लेकर जो गाने जो उसके चाइना और जापान और कहाँ किन किन देशों में गाए जाते हैं और वो फिल्में देखी जाती हैं, तो हिंदी का प्रसार से दक्षिण में हो, फिल्में जरूर देखी जाती, तो हिंदी का, हमारी फिल्मों का, मतलब मैं थोड़ी फिल्मों से भी जुड़ी हूँ तो उसका बहुत योगदान है. साथ ही चूंकि ये दृश्य माध्यम जो है हमारा, चाहे आकाशवाणी और दूरदर्शन, मैं आकाशवाणी से लंबे समय तक जुड़ी रही, तो मैं दोनों के लिए कहूंगी, दूरदर्शन और आकाशवाणी, अपनी सहज हिंदी भाषा में, सहज इसलिए कह रही हूं कि जो समझ में आ सके. अभी हम हिंदी की बात करें हो, क्या राजभाषा हो, लेकिन इतनी क्लिष्ट हो कि संस्कृत निष्ठ हो, तो वो भी बहुत मुश्किल है. हम आज बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम से ना पढ़े तो क्या करें, उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा. तो उनको बोझ ना हो जाए कि हम इतनी कठिन हिंदी में अपनी बात कहें. जो बात समझ में, मैं विचार को, मैं भाषा और शब्दों से अधिक, जो मेरी पर्सनल एक फीलिंग है कि मैं विचार को अधिक महत्व देती हूँ. अगर कोई बात अच्छी हम कहना चाहते हैं तो वो ऐसी सहज भाषा में, अपनी हिंदी में, कि आज कोई भी बच्चा दक्षिण का हो, चाहे कितना भी इंग्लिश ना हो वो, लेकिन वो समझ सके. अभी बहुत बहुत योगदान है. आज इतने अच्छे अच्छे सीरियल्स जो बन के आज तक लोग ऐसे याद करते हैं उनको, कि जो बन गए, हम लोग बन गया, टीपू सुल्तान बने, और भी जितने लंबी लंबी आपकी बुनियाद, मैंने भी काफी लिखा है, कश्मकश आदि, बहुत उस जमाने में दूरदर्शन के लिए बहुत लिखा है मैंने. तो ये एक ऐसा मंच है दूरदर्शन, और अभी भी जो मुझे आके इनसे बातचीत हुई मेरी अश्विनी जी से, क्योंकि जान पा रही हम लोग, सही बात है, नहीं देख पाते अधिक दूर, उन्होंने बताया हम हिंदी के लिए क्या क्या करते हैं, बहुत अच्छा लगा सुनकर. बाकी ये है, आप सबको बहुत बहुत मैं अभिवादन, बहुत बहुत प्यार,
कि आप लोग हिंदी के लिए यहाँ आए, हम सब यहाँ जुड़े हैं, तो ये जो, और दूसरी बात ये पता लगा एक पखवाड़ा पूरा मनाया जा रहा है हिंदी के लिए और आप लोग सब उसके, हम लोग, मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ, और मैं तो कहती हूँ रोज हिंदी का दिन होना चाहिए, रोज ही होना चाहिए हिंदी का दिन, तो वो भी होगा। आप अब हिंदी के हमारे पूरे विश्व में अच्छी पकड़ है, लोग, मुझे पता लग रहा है, क्योंकि हमारे भारतवासी पूरे विश्व में फैल गए हैं, लाखों की संख्या में बाहर हैं, तो वो भी एक कारण है हिंदी के प्रचार प्रसार का। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इतनी बात कहने का अवसर दिया गया। प्रमुख अतिथि हस्तिमल हस्ती जी ने इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त किए और अपनी प्रसिद्ध गजलें भी सुनाई। मैं तो जब घर से निकला तो सोचा हिंदी का महत्व बताऊंगा, लेकिन आदरणीय थॉमस जी जो हिंदी भाषी होते भी इतनी अच्छी हिंदी बोले और क्या हो, क्यों होना चाहिए, हिंदी सब बता दिया, और जो कुछ बचा वो अच्छा जी ने बचा दिया। दोस्तों कहना यही है, हिंदी भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा बोली बोलने वाली भाषा है। जब हम अपने स्टेट में होते हैं, महाराष्ट्र में है तो मराठी, लेकिन स्टेट से जब हम बाहर निकलते हैं तो सिर्फ एकमात्र हिंदी ही बचती है जिससे जनसाधारण भी समझता है। वो पुराना समय गया जब हिंदी का महत्व बताया जाना आवश्यक था। कुछ दक्षिणी राज्यों में जरूर विरोध होता था, कुछ राजनीति और कुछ अफवाह के हिसाब से, लेकिन मेरा स्वयं का अनुभव कहता है कि 15-20 वर्ष पहले जब साउथ में गया तो हिंदी कोई समझता भी नहीं था, बड़ी तकलीफ आती थी, लेकिन अभी कुछ महीने पहले गया तो एरोड्रम से लगाकर एक होटल वालों के तक में हिंदी समझता है और हिंदी में आराम से संवाद करता है। ये हिंदी की लोकप्रियता का सबसे बहुत उदाहरण है। ये पखवाड़ा मना रहे हैं, ये सिर्फ रस्म अदायगी नहीं है कि फादर्स डे, मदर्स डे, टीचर्स डे जैसा, ये और अच्छी बात है कि इस पखवाड़े में अच्छी अच्छी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई है अपनी प्रतिभा को बाहर दिखाने के लिए। उन सब विजेताओं को मैं बधाई देता हूं, और जिन्होंने भाग नहीं लिया उसको भी मैं अगले साल के लिए उनको भी मैं आमंत्रित करता हूं कि ये हिंदी इतनी मुश्किल भी नहीं है, आप जो सोचते हैं इन प्रतियोगिता में भाग लीजिए और अपना, हमारा और दूसरों का, सबका उत्साह वर्धन कर दिए। धन्यवाद। चार पंक्तियां पहले कह रहा हूं कि ये नहीं कहता मैं, ये नहीं कहता मैं के ख्वाब न लिख, ये नहीं कहता मैं के ख्वाब न लिख, अपने कांटों को तुम गुलाम न लिख, जिससे लिखता है प्यार की चिट्ठी उस कलम से कभी हिसाब न लिख, उस कलम से कभी हिसाब न लिख। दोस्तों ये हिंदी है, सुना है तो सबकी समझ में आ गई, इसलिए हिंदी से डरिए मत जो नहीं बोलते हैं और जो इसके निकट नहीं आ रहे हैं। जी एक गजल और जिसका जिक्र आदरणीय अश्विनी जी ने किया था और वो मेरी किस्मत से बहुत लोकप्रिय भी है और इसको आदरणीय जगदीश सिंह जी ने स्वर दिए हैं, सिर्फ चार शेर हैं। कह रहा हूं कि प्यार का पहला खत, सब समझ रहे हैं प्यार, इस एहसास से सब गुजरे हुए हैं, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। और आगे कह रहा हूं कि जिस्म की बात नहीं थी, बदन शरीर, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। और ये शेर देखें कि गांठ अगर लग जाए, गांठ सब समझते हैं कि गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी धागा, गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, लाख करें कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है, गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी,
गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, लाख करें कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। और दो पंक्तियां इस एक शेर और हैं कि हमने इलाजे जख्मे दिल, जख्मे दिल का इलाज, हमने इलाजे जख्मे दिल तो ढूंढ लिया लेकिन, जख्मे दिल का इलाज ढूंढ लिया लेकिन, हमने इलाजे जख्मे दिल तो ढूंढ लिया लेकिन गहरे जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। धन्यवाद। इस अवसर पर हिंदी की गृह पत्रिका सह्याद्री दर्शन के छठे अंक का विमोचन भी किया गया। जानी मानी गायिका डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी ने इस अवसर पर अपनी रचनाएं गाकर सुनाई। मैं मंच को प्रणाम करती हूँ। एक गीत आ रहा है सोम ठाकुर जी का, वो चार लाइन सुनाने की कोशिश करती हूँ। तुम आए नैनों के द्वारे, तुम आए नैनों के द्वारे, चंदन चंदन मन मेरा दर्पण दर्पण, मन मेरा साज चहके भोर महके, रात गाए ओ पिया ओ पिया। तुम आए गंधों के द्वारे, चंदन चंदन मन मेरा दर्पण दर्पण, मन मेरा तुम आए नैनों के द्वारे। एक जयशंकर जी की, चूंकि हिंदी का परिवेश है इसलिए, ले चल मुझे भुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे 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 धीरे, ले चल मुझे भुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे 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 धीरे, जिस निर्जन सागर लहरी अंबर के कानों से गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तजको लाहल की अवनी रे, ले चल ले चल ले चल ले चल मुझे भुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे 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 धीरे। इस अवसर पर केंद्र के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी अपने उद्गार व्यक्त किए। और सब किसी को बहुत बहुत मुबारक, जिन लोगों को अवार्ड मिला है और जिन लोगों को अवार्ड नहीं मिला है उनको और प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि अगले साल और अच्छे से भागीदारी दे। धन्यवाद सभी आमंत्रित अतिथिगण और अधिकारीगण, सबको प्रणाम, और दूरदर्शन केंद्र मुंबई के साथियों। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हर बार हमको कोई याद न दिलाए कि हमने क्या करना है, कि इस केवल हिंदी का कामकाज केवल ये 15 दिन में सीमित ना रहे, तो हमको हमेशा याद रहना चाहिए कि हम हमेशा ये कोशिश करें, जितनी भी हमसे हो कोशिश हमेशा करनी चाहिए कि हिंदी में हम लोग कामकाज करते रहे सारा साल। धन्यवाद। मैं आज के दिन सभी जो पुरस्कार मान करिए उनको बधाई देता हूँ, और मुझे लगता है कोई भी भाषा हो, मातृभाषा तो सम्मान होना ही चाहिए जैसे सर ने कहा है, लेकिन हिंदी का एक अलग लगाव है, राष्ट्रभाषा तो है ही है
लेकिन मैं खुद मानता हूँ कि मुझे इतनी अच्छी, इसको अंग्रेजी में बोलते क्रीम लैंग्वेज, कि उसकी एक अदाकारी अलग है, उसका एक नज़रिया अलग है। तो मैं इतना ही कहूँगा, किसी शायर ने कहा है कि जिंदगी जीने के लिए होती है, कोई लोग सोचते सोचते ही जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सब यही ढंग से, यही रूप से, यही अनुरोध से भाषा के प्रति देखें। चाहे मेरी मातृभाषा मराठी है, उसका तो मुझे गर्व रहेगा ही, लेकिन मैं वही समय ये भी ना भूलूं कि हिंदी मेरी प्यार की भाषा है, और उसका सम्मान सिर्फ पकौड़ा में नहीं तो हर दिन हर पल मेरे दिल में रहना चाहिए। इसलिए सबको मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद। सरकारी कामकाज में मूल रूप से हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन योजना के तहत भी हमें कई लोगों को पुरस्कृत करना पड़ता है, उनके कार्य के आधार पे, कार्य के आकलन के आधार पे। और हमारे दो अधिकारी जो हिंदी के कार्य के लिए हमें प्रोत्साहित करते हैं साल भर, उन्हें भी पुरस्कृत किया जाता है इस अवसर पे। वे दोनों अधिकारी मंचा सिंह हैं, अभियांत्रिकी निदेशक सुनीता भिशिकर मैडम, तालियों से स्वागत कर रहे हैं। सहायक निदेशक कार्यक्रम जयू भाटकर साहब, हिंदी पखवारे में आयोजित हिंदी प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार भी प्रदान किए। हिंदी पखवाड़े में दूरदर्शन केंद्र मुंबई में काव्य गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें देश के जाने माने कवियों ने भाग लिया। आइए देखते हैं काव्य गोष्ठी के संपादित अंश और सुनते हैं इन कवियों की रचनाओं को। देश के उन वीर जवानों को जो राष्ट्र सेवा में लगे हैं, उनके लिए पंक्तियां हैं कि विश्व उपवन में खिले हम प्रकृति के श्रृंगार हैं। विश्व उपवन में खिले हम प्रकृति के श्रृंगार हैं, शांति पथ पर जो चलें हम प्रेम की रसधार हैं। पर कलंकित कर रहे जो आज मानव जाति को, पर कलंकित कर रहे जो आज मानव जाति को नष्ट करने को उन्हें हम दहकते अंगार हैं। नष्ट करने को उन्हें हम दहकते अंगार हैं। परमार्थ में लगा जीवन ही सच्चा जीवन होता है। एक मुक्तक और, कि हम जलें दीपक सदृश, हम जलें दीपक सदृश जो दूसरों के हित जिया, हम जलें दीपक सदृश जो दूसरों के हित जिया, और बदले में जरा सा स्नेह ही जिसने लिया। अंध तम के दैत्य से लड़ता रहा हरदम अकेले, प्राण देकर भी जगत को रोशनी से भर दिया, प्राण देकर भी जगत को रोशनी से भर दिया। और पंक्तियां हैं कि जो भी गिर गिर के फिसल कर भी बढ़ा करता है, जो भी गिर गिर के फिसल कर भी बढ़ा करता है, वही शिखरों पे सफलता के चढ़ा करता है। हार कर जो निराश हो जाता जीवन में, जिंदा रहकर भी वो हर रोज मरा करता है। फिसल कर भी बढ़ा करता है, वही शिखरों पे सफलता के चढ़ा करता है। पंक्तियां हैं कि यह बात सभी को ज्ञात, यह बात सभी को ज्ञात, मनुज का भाग्य नहीं हरदम सोता, यह और बात गाफिल बनकर नर जीवन के अवसर खोता। तो संकल्प और विश्वास इन्हीं पर चलता रहता है जीवन, संकल्प और विश्वास इन्हीं पर चलता रहता है जीवन। आशा जिसकी मर गई वही जन जीवन में अक्सर मरता, संकल्प और विश्वास यहीं पर चलता रहता है। मित्रों, एक रचना प्रस्तुत है,
शीर्षक है वर्तमान में जीने दो। अच्छा। वर्तमान में जीने दो कि मत बतलाओ हमको आगामी जीवन, मत बतलाओ हमको आगामी जीवन, हमको अपने वर्तमान में जीने दो। जुड़ी हुई हैं जो भविष्य की आशाएं, उस बंधन में हमें बंधा ही रहने दो। उस बंधन में हमें बंधा ही रहने दो कि ज्ञात अगर होता सीता को वन में भी, ज्ञात अगर होता सीता को वन में भी, चैन नहीं मिल पाएगा इस जीवन को। मायावी मृग के पीछे क्यों भेजती अपने प्रियतम राम और प्रिय लक्ष्मण को। रामायण हो गई राम की व्यथा कथा। क्या बात है, रामायण हो गई राम की, रामायण हो गई राम की व्यथा कथा। आज घटी वह व्यथा समय को कहने दो, मत बतलाओ हमको आगामी जीवन, हमको अपने वर्तमान में जीने दो। शाहजहां ने पाल पोस कर बड़ा किया, शाहजहां ने पाल पोस कर बड़ा किया, भरे बुढ़ापे अपनों से ही कैद मिली। सच सच भावी को कौन जान पाया अब तक, सच भावी को कौन जान पाया अब तक। पूरे सुख की निद्रा किसको कब कहां मिली, पूरे सुख की निद्रा किसको कब कहां मिली। और कविवर मिल्टन, कविवर मिल्टन कहीं जान यह पाते जो, कविवर मिल्टन कहीं जान यह पाते जो, हो जाएंगे नेत्रहीन वे जीवन में। करते क्या वे स्वाध्याय इतना कभी, करते क्या वे स्वाध्याय इतना कभी। हुए सफल जो विद्या के आराधन में, हुए सफल जो विद्या के आराधन में। तो आशा की जंजीर बड़ी सुखदाई है, आशा की जंजीर बड़ी सुखदाई है। ज्यों ज्यों बंधते वेगवान बनते जाते, ज्यों ही आशाहीन हुए हम जीवन में, ज्यों ही आशाहीन हुए हम जीवन में। नीरस निर्बल सत्वहीन हैं हो जाते, तो समय नदी की धारा सा गतिमान रहे। समय नदी की धारा सा गतिमान रहे, उसे सदा गतिमान बना ही रहने दो। मत बतलाओ हमको आगामी जीवन, हमको अपने वर्तमान में जीने दो, हमको अपने वर्तमान में जीने दो। धन्यवाद। ऐसा कहा जाता है कि कवि का वक्तव्य कविता ही होती है, तो कविता है चादर। विज्ञापन में दिखी झक सफेद चादर, वॉशिंग मशीन से अभी अभी धुली हुई। विज्ञापन में दिखी झक सफेद चादर, वॉशिंग मशीन से अभी अभी धुली हुई। थोड़ी देर तक तो समझ में ना आया प्रचार किसका, चादर का, वॉशिंग मशीन का, डिटर्जेंट पाउडर का, कि उस 18 साल की लड़की का जो वस्तुओं की फेहरिस्त में अघोषित तौर पर पूरी तरह थी शामिल। चमक रही थी चादर, बातें कर रही थी वॉशिंग मशीन। चमक रही थी चादर, बातें कर रही थी वॉशिंग मशीन। आधा चम्मच डिटर्जेंट पाउडर के झाग से भर गया था पूरा टब। किसी जादूगरनी की तरह हंस रही थी 18 साल की वह लड़की। दिन में 10 बार चमकाई जा रही थी चादर, 10 बार ठूसी जा रही थी आंखों में वॉशिंग मशीन। झाग टीवी के पर्दे से कमरे के फर्श पर जैसे अब फैला तब फैला। वह लड़की तो 8 साल की मेरी भतीजी के तन में आकर बस ही गई। मायावी चादर, मायावी मशीन, मायावी लड़की। मायावी चादर, मायावी मशीन, मायावी लड़की। एक दिन आम हो जाएगी वॉशिंग मशीन, बहुत अच्छी। एक दिन आम हो जाएगी वॉशिंग मशीन, कोई बात नहीं करेगा डिटर्जेंट पाउडर की। लड़की बूढ़ी हो जाएगी, मर जाएगा विज्ञापन। एक दिन आम हो जाएगी वॉशिंग मशीन,
कोई बात नहीं करेगा डिटर्जेंट पाउडर की, लड़की बूढ़ी हो जाएगी, मर जाएगा विज्ञापन, चर्चा में रहेगी फिर भी चादर, चर्चा में रहेगी फिर भी चादर, चादर वही कबीर की 550 साल पुरानी, झीनी झीनी बीनी। अकेली औरत का रोना, ऐसी भी सुबह होती है एक दिन जब अकेली औरत फूट फूट कर रोना चाहती है। रोना एक गुबार की तरह गले में अटक जाता है और वह सुबह सुबह किशोरिया मोनकर का राग भैरवी लगा देती है। उस आलाप को अपने भीतर समोते वह रुलाई को पीछे धकेलती है। अच्छा। अपने लिए गैस जलाती है कि नाश्ते में कुछ अच्छा सा पका ले, शायद वह खाना आंखों के रास्ते मन को ठंडक पहुंचाए। पर खाना हलक से नीचे ऐसे उतरता है कि जबान को छुए बगैर पेट तक पहुंच जाता है। रुलाई का गुबार पेट में यहाँ वहाँ फंसता है और आंखों के रास्ते बाहर निकलने की सुरंग ढूंढता है। वाह, वाह। अकेली औरत अकेले सिनेमा देखने जाती है और किसी दृश्य पर जब हॉल में हंसी गूंजती है वह अपने वहाँ न होने पर शर्मिंदा हो जाती है। बगल की खाली कुर्सी में अपने को ढूंढती है जैसे पानी की बोतल रखकर भूल गई हो और वापस अपनी कुर्सी पर सिमट आती है। अकेली औरत किताब का 22वां पन्ना पढ़ती है और भूल जाती है कि पिछले 21 पन्नों पर क्या पढ़ा था। किताब बंद कर बगल में रखे दिमाग को उठाकर अपने सिर पर टिका लेती है कसकर और दोबारा पहले पन्ने से पढ़ना शुरू करती है। बहुत अच्छे। अकेली औरत खुले मैदान में भी खुलकर सांस नहीं ले पाती, हरियाली के बीच ऑक्सीजन ढूंढती है, फेफड़ों के रास्ते खोखल महसूस करती है जिसमें आवाजाही करती सांस सांस जैसी नहीं लगती। वाह वाह। आखिरकार एक शाम अकेली औरत अकेले ही रुलाई का पिटारा अपने सामने खोल देती है, सब कुछ तरतीब से बिखर जाने देती है। अच्छा। देर तक जी भर कर रोती है और महसूस करती है सांसों का एकाएक सम पर आ जाना। सांसों का एकाएक सम पर आ जाना महसूस करने वाली बात है, बहुत बढ़िया। और फिर एक दिन अकेली औरत अकेली नहीं रह जाती, वह अपनी उंगली थाम लेती है, अपने साथ सिनेमा देखती है, पानी की बोतल बगल की सीट पर नहीं ढूंढती, किताब के 22वें पन्ने से आगे चलती है, लंबी सांस को चमेली की खुशबू सा सूंघती है, खींच लेती है मुस्कान आंखों की कोरों तक, अपने लिए नई परिभाषा गढ़ती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात। अकेली औरत अकेलेपन को एकांत में ढालने का सलीका सीखती है। शीर्षक है वसीयत। मैंने फोन पर देर तक बातें की कुछ नितांत अपरिचितों से, उनके स्वर बड़े पहचाने लगे। उस परेशान सी लड़की से मिला पोस्ट ऑफिस में, लिखने को कलम दी वह जो अपनी माँ को मनी ऑर्डर भेज रही थी। मैं भीगती मसों वाले लड़कों के खेल में यूं ही शामिल हो गया एक दोपहर, एक किक यहां से एक किक वहां से। ये जो यहाँ पार्क में हल्ला गुल्ला मस्ती गाली गलौज से भरे हुए थे, इन्होंने निराशा को अभी जाना नहीं था। अच्छा, चर्च गेट से रात 1 बजे अंतिम लोकल ट्रेन में एक थका हुआ उनीदा मजदूर बैठा था जो कोने की सीट पर। मैं उसके सपनों में चुपचाप दाखिल हुआ, लड़ता रहा उसके बदमाश मैनेजर से। पार्क की सुनी बेंच से उठा एक बूढ़ा उदास धीरे धीरे चलकर आया फाटक तक। मैंने अपना कंधा दिया उसे रोने के लिए। एक पर्यटक जो भूल गया था पता इस शहर में, वो चला आया मेरे साथ, वो अब इसी मोहल्ले का नागरिक है। एक औरत जो गेहूं का कनस्तर लिए चक्की पर खड़ी थी, अचानक अपना पिछला जन्म मुझे बताने लगी। मैंने तो सिर्फ उसके साड़ी पर खिले फूलों की तारीफ की थी। क्या बात है। मैं ईश्वर नहीं,
मैं ईश्वर नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं बस यूं ही, पर मेरे भीतर ही थे इस सृष्टि के सारे रहस्य। मेरे चारों ओर बिखरे हुए थे कितनी अपरिचित आवाजों के अनसुने शोर, पुराने अखबारों की कतरने, लॉटरी के फेंके हुए टिकट, जेब में अब भी एक पुरानी चवन्नी, मैं 11वीं कक्षा की एक सहपाठिन की नोटबुक का पन्ना भी, उस खत की फोटो कॉपी कराकर एक दुकान से निकला और अपनी उम्र वहीं भूल आया। क्या बात है। और सिनेमा के पोस्टरों में सिनेमा के पुराने पोस्टरों में मैं देखता रहा अपना चेहरा। मैंने कोई खास जीवन नहीं जिया, बस यकायक कुछ एकालाप याद रखे, कुछ खंडित दृश्यों की असमाप्त कथाएं जो पीछा कर रही थी। मैं कुछ बताना चाहता था, जो बता नहीं सका वो एक रहस्य बन गया। बस थोड़े थोड़े अचरजों को इसी तरह संभाल कर रखता रहा, बस ये नसीब इसी तरह से लिखा जाना था। मैं लिखने चला था एक कविता और मैं जीवन के छोटे छोटे चमत्कारों से घिर गया। शीर्षक है गिरना पर ऐसे नहीं। गिरना पर ऐसे नहीं जी, गिरना पर ऐसे नहीं, गिरना ऐसे जैसे गिरते हैं वृक्षों से फल। क्या बात। गिरना ऐसे जैसे गिरते हैं वृक्षों से फल, या कि सुगंधित पुष्प खुशबुओं से सराबोर करते हुए वायुमंडल। गिरना ऐसे जैसे गिरती हैं बूंदे रेत पर, हरते हुए पृथ्वी का अनगिनत ताप, उगने को विवश करते हुए अंकुरों को। गिरना ऐसे जैसे गिरता है कोई चिकनी मिट्टी पर फिसल कर और फिर उठ खड़ा होता है झाड़ते हुए तन। क्या बात। गिरना बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। गिरना ऐसे जैसे गिरती है नदी पहाड़ से कलकल करती हुई, कलरव करते जीव जंतुओं को तृप्त करती हुई। गिरना चाहे जैसे, पर ऐसे नहीं गिरना जैसे गिरता है कोई चरित्र से मलिन करता हुआ मानव तन। चरित्र से गिरना और आत्महत्या करना दोनों माने जाते हैं बराबर ही। इसका शीर्षक है इंसान और भगवान। इंसान और भगवान जी, ये है कि पता नहीं तुमने उसे बनाया है या उसने तुम्हें, किंतु तुम दोनों ही एक जैसा खेल खेलते हो एक दूसरे के साथ। थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी आग, थोड़ी सी हवा और थोड़ा सा आकाश ले गढ़ते हो तुम एक खिलौना। कठपुतली सा उसे नचाते हो, अपना मन बहलाते हो और जब उगता जाते हो तब मिट्टी को मिट्टी, पानी को पानी, आग को आग, हवा को हवा और आकाश को आकाश में विलीन कर समाप्त कर देते हो। कठपुतली सा उसे नचाते हो, अपना मन बहलाते हो और जब उगता जाते हो तब मिट्टी को मिट्टी, पानी को पानी, आग को आग, हवा को हवा और आकाश को आकाश में विलीन कर समाप्त कर देते हो अपना खेल। ठीक ऐसा ही खेल वो भी खेलता है तुम्हारे साथ। कभी दुर्गा तो कभी गणपति के रूप में साकार करता है वो तुम्हें। और फिर होती है तुम्हारी प्राण प्रतिष्ठा, जब तुम प्रतिष्ठित हो जाते हो तब फल फूल मेवा मिष्ठान आरती स्तुति के अंबार लग जाते हैं। खूब शगल रहता है कुछ दिन तक। फिर एक निश्चित अवधि के पश्चात तुम्हारे भक्त झूमते नाचते गाते बजाते विसर्जित कर देते हैं तुम्हें जल में, और साथ ही विसर्जित हो जाती है उनकी सारी श्रद्धा, सारी आस्था, सारी झूमते नाचते तुम्हारे भक्त विसर्जित कर देते हैं तुम्हें जल में, और साथ ही विसर्जित हो जाती है उनकी सारी श्रद्धा, सारी आस्था, सारी भक्ति। सागर किनारे नदियां तीरे बिखरे तुम्हारे छिन्न भिन्न अंग साक्षी हैं इस बात के कि देह धारण कर तुम भी टूटते हो, तुम भी बिखरते हो, तुम्हारी भी मृत्यु होती है। सागर किनारे नदियां तीरे बिखरे तुम्हारे छिन्न भिन्न अंग साक्षी हैं इस बात के कि देह धारण कर
तुम भी टूटते हो, तुम भी बिखरते हो, तुम्हारी भी मृत्यु होती है, किंतु तुम दोनों के खेल में एक अंतर है। तुम्हारे द्वारा बनाया गया इंसान जीवन में सिर्फ एक बार मृत्यु को प्राप्त होता है, किंतु इंसान द्वारा बनाए गए भगवान तुम्हारा अंत अनंत है, तुम्हारा अंत। जी अब मैं गजल सुनाती हूँ। ये है कि जब रूह में कोई आन बसे तो प्यार नहीं कुछ और भी है। जब रूह में कोई आन बसे तो प्यार नहीं कुछ और भी है, जब मीरा से घनश्याम मिले तो प्यार नहीं कुछ और भी है। जब रूह में कोई आन बसे तो प्यार नहीं कुछ और भी है, जब मीरा से घनश्याम मिले तो प्यार नहीं कुछ और भी है। हर प्रेम कहानी का अपना आगाज भी है अंजाम भी है। हर प्रेम कहानी का अपना आगाज भी है अंजाम भी है। जब सागर में नदियां डूबे तो प्यार नहीं कुछ और भी है। सागर में नदियां डूबे, जब सागर में नदियां डूबे तो प्यार नहीं कुछ और भी है। यूं ध्यान में उसके खो जाना फिर लौट के खुद को ना पाना। यूं ध्यान में उसके खो जाना फिर लौट के खुद को ना पाना, जब जोत से कोई जोत मिले तो प्यार नहीं कुछ और भी है। अरे कि सुरताल मिले संगीत बने, संगीत से बिरहा गीत बने। सुरताल मिले संगीत बने, संगीत से बिरहा गीत बने, और अंतर से चित्कार उठे तो प्यार नहीं कुछ और भी है। और आखिरी शेर है कि जब अनगिन चोटे सह सह कर एक पत्थर मूरत हो जाए, जब अनगिन चोटे सह सह कर एक पत्थर मूरत हो जाए, फिर मूरत में भगवान दिखे तो प्यार नहीं कुछ और भी है। जब अनगिन चोटे सह सह कर एक पत्थर मूरत हो जाए, फिर मूरत में भगवान दिखे तो प्यार नहीं कुछ और भी है। जब रूह में कोई आन बसे तो प्यार नहीं कुछ और भी है। बहुत सुंदर दीप्ति जी, बहुत सुंदर। दीप्ति मिश्र जी की एक रचना है। दीप्ति मिश्र जी प्रख्यात गजलकार हैं, उनकी एक रचना है। पत्थर दिल ने धड़कन की आवाज सुनी है सदियों बाद, पत्थर दिल ने धड़कन की आवाज सुनी है सदियों बाद। सदियों पहले होनी थी जो बात हुई है सदियों बाद, पत्थर दिल ने धड़कन की आवाज सुनी है सदियों बाद। चोर सिपाही छुपन छुपाई गुड्डे गुड़ियों वाले खेल, चोर सिपाही छुपन छुपाई गुड्डे गुड़ियों वाले खेल, भूले बिसरे बचपन की सौगात मिली है सदियों बाद। सदियों पहले होनी थी जो बात हुई है सदियों बाद, पत्थर दिल ने धड़कन की आवाज सुनी है सदियों बाद। धन्यवाद।